हे गाइस, देखो कुछ ऐसे कंपनी हैं जो हैं तो हाई पे सर, ऐसा नहीं है कि हाई पे नहीं है, लेकिन सर देखो ये हाई है या नहीं है ये स्टॉक का चार्ट डिसाइड नहीं करेगा सर, ये कंपनी का बिजनेस डिसाइड करेगा। अभी जैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ सर, ठीक है। अभी मान लेते हैं सर ये कंपनी, इसका चार्ट यहाँ पर, इस शेयर का चार्ट यहाँ पर आपको देखने को मिला सर, थोड़ा गलत हो गया, कोई बात नहीं, लोग बोलेंगे सर हाई है। अभी मान लीजिए ये जिस लेवल पे है, यहाँ पर मान लीजिए कंपनी किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करती है, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करता है, मान लेते हैं सर 100 मेट्रिक टन, कितना 100 मेट्रिक टन सर, ठीक है, पर एनम मान लेते हैं सर, पर एनम कितना 100 मेट्रिक टन पर एनम है सर। आप लोग बोलेंगे सर ये तो हाई है। अब कंपनी बोल रही है कि भाई साहब देखो हम अपने मेट्रिक टन को बढ़ाना चाहते हैं, जो कि करके करना चाहते हैं 200 मेट्रिक टन पर एनम सर, तो क्या सर शेयर का प्राइस यहाँ ही रहेगा या गिरेगा सर? पहले 100 मेट्रिक टन का प्रोडक्शन करती थी कंपनी, अब बोले 200 मेट्रिक टन, तो स्टॉक का भागना तो तय है सर। उसी तरीके से आने वाले भविष्य में बोलती है कि अब मैं 500 मेट्रिक टन का टारगेट रखता हूँ, तो सर कंपनी का स्टॉक का प्राइस और ऊपर जाएगा ना। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि सर कभी भी स्टॉक का चार्ट देख के अगर आप डिसाइड करते हो कि स्टॉक हाई है तो आज नहीं तो कल सर आप धोखा खा जाओगे, लेकिन कंपनी के बिजनेस को देख के करोगे ना तो सर आप धोखा नहीं खाओगे। मतलब ये नॉर्मली का अंडरस्टैंडिंग है सर ऐसा। अभी जैसे मैं आपको बताता हूँ सर, अंबुजा सीमेंट, ठीक है, किसकी है सर? अदानी साहब जी की है, ठीक है। अब पिछले एक सालों में तो 44% तक का रिटर्न निकाल के दिया, पिछले पाँच सालों में तो भाई 200% तक का रिटर्न निकाल के दिया, लंबे समय में भी सर कंपनी ने अच्छा ही रिटर्न निकाल के दिया है सर, ठीक है। सीखने वाली बात यह है कि सर गिरावट होता है तो हाँ भाई टेम्प्ररी गिरावट होता है। देखिए 40% तक का यहाँ पर गिरावट देखने को मिला था सर, अगर आप ध्यान से देखेंगे 49 मतलब 50% मान लीजिए सर, यहाँ पर भी उतना ही गिरावट हुआ है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो सर गिरावट मार्केट का एक पार्ट होता है, लेकिन हमें बिजनेस के ऊपर देखना है। अभी मान लेते हैं कि सर कंपनी कल के डेट में अगर मान लेते हैं ये 50% गिर गया, ठीक है, मान लेते हैं किसी भी तरीके से जस्ट एग्जांपल गिर गया, तो सर क्या कंपनी क्या अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी को कट कर देगी? क्या इनका जो फ्यूचर टारगेट है क्या उसको कट कर देगी सर? क्या ये 500 मेट्रिक टन जो कंपनी अपना प्रोडक्शन करने वाली थी क्या इसको कम करके सर कंपनी 100 मेट्रिक टन पे आ जाएगी? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। केवल सर चार्ट गिरता है, ये जो है ना सर ये देखकर सर कंपनी अपने बिजनेस नहीं बदलती है, कंपनी का बिजनेस देखकर सर ये बदलता हुआ नजर आता है, और टेम्प्रेरी से किसी प्रॉब्लम के कारण भी गिर जाती है चीज़ें, तो हमें उस पर टेंशन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। आइए दिखाता हूँ मैं आपको। अभी देखिए सर यहाँ पर बताया गया है, यस अंबुजा सीमेंट इज, यहाँ देख सकते हो, इंक्रीजिंग इट्स कैपेसिटी विथ प्लान टू रिड्यूस, यहाँ पर यहाँ देख सकते हो, सॉरी, विथ प्लान टू रीच 140 मिलियन टन सर, आपको बताया जा रहा है पर एनम सर 2028 तक। तो कंपनी बोल रही है कि भाई हम ये कैपेसिटी को अचीव करेंगे 2028 तक। अभी मान लेते हैं सर अगले साल स्टॉक का प्राइस गिर जाता, तो सर ऐसा थोड़ी है कि अगले साल अगर स्टॉक का प्राइस गिर जाएगा तो कंपनी बोलेगी कि नहीं भाई अब हम अपना जो प्लान का जो कैपेसिटी था 140 मेट्रिक टन इसको डिक्रीज करके केवल 100 मेट्रिक टन रखेंगे। नहीं सर, बिजनेस में ऐसा नहीं होता, फिजिकल बिजनेस में ऐसा नहीं होता सर। स्टॉक का प्राइस अप एंड डाउन जाता हुआ नजर आता है, तो आप सोच लीजिए, एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी मान लीजिए सर जो भी कैपेसिटी है इनकी, मान लेते हैं कि किसी भी तरीके से मान लेते हैं कि 80 मेट्रिक टन इनकी कैपेसिटी है सर, और स्टॉक का प्राइस 500 है सर, कितना 500 है सर। अब ये बोल रहे हैं कि भाई हम 140 मेट्रिक टन तक पहुँचेंगे तो इनका स्टॉक का प्राइस सर 1000 जाना चाहिए, ठीक है। अभी मान लीजिए किसी कारण से, अभी 500 है, किसी कारण से सर, कोई भी कारण हो सकता है जिसकी वजह से ये स्टॉक का प्राइस गिर के लगभग जो मान लीजिए कि 200 पे आ गया, तो क्या सर ये खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए? लोग इसी में फंस जाते हैं कि भाई क्या करूं, खरीदूं ना खरीदूं, ये तो गिर गया है 40%, 50%, 60%। तो सर मैं आपको बोलूंगा कि आपको बिजनेस देखना है कि सर बिजनेस तो अभी भी टनाटन चल रहा है सर, अभी तो बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहा है, सब बिजनेस में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, केवल स्टॉक का चार्ट गिरा है तो हमें खरीद लेना है। क्यों? क्योंकि सर जिस तरीके से कंपनी का 80 मेट्रिक टन था और वो अपने मेट्रिक टन बढ़ाने वाली है, तो उस टाइम तो सर कंपनी का शेयर का प्राइस 500 था, जो अभी 200 हो चुका है, तो लमसम सर इसका शेयर का प्राइस 1000 जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब 80 मेट्रिक टन था इस कंपनी का तो सर 500 रुपये में था, तो 140 मेट्रिक टन से सर इस कंपनी को 1000 होना चाहिए, लेकिन किसी वजह से ये हमें मिल रहा है 200 रुपये में, तो सोचो कितना बड़ा 5 गुना यहाँ से हो सकता है सर। जस्ट ये आपको बिजनेस एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूँ ताकि कुछ अंडरस्टैंडिंग आपको मिले सर, आपको सीखने के लिए। ये सारी चीज़ें उन लोगों ने बता रखे हैं सर, क्या लगभग ऑर्गेनिक रूट है, इनऑर्गेनिक रूट आपको बताया जा रहा है, ऑनगोइंग एक्सपेंशन है, यहाँ देख सकते हो ग्रीन पावर आपको बताया जा रहा है, उस तरीके से सर यहाँ पर सारी चीज़ें उन्होंने बता रखा है, रॉ मटेरियल है, लॉजिस्टिक है, कहाँ से क्या क्या करेंगे, तो ये तो सर डीप नॉलेज तक की हो जाएगी। बस मैं आपको एक जनरल एग्जाम्पल बता रहा हूँ, और ऊपर से जिस सेक्टर में कंपनी काम कर रही है सर, सीमेंट सेक्टर में, बताया जा रहा है कि सीमेंट डिमांड इन इंडिया विल इंक्रीज बाय 116% बाय 2030। देख लो सर, कंपनी ने 2028 का टारगेट रखा है और 2030 में इतना ज़्यादा डिमांड बढ़ने वाला है सर, ठीक है, जो कि आपको बताया जा रहा है 660 मिलियन मेट्रिक टन आपको बताया जा रहा है सर, सोच लो। तो कहने का मतलब है कि सर सेक्टर में भी दम है और कंपनी भी काफ़ी अच्छी है सर, कंपनी भी बहुत ज़्यादा मजबूत है। तो जो लोग सर लंबे समय के बारे में सोचते हैं ना, बस उनके लिए सर शेयर आराम से अच्छा रिटर्न निकाल के देता है, केवल इस कंपनी के बारे में नहीं, सारी कंपनियों में सर ज़्यादातर ऐसा ही होता है सर यहाँ पर। तो जो लोग रुकेंगे 2028 तक, 2030 तक,
उनको अच्छा प्रॉफिट हो जाता। लेकिन जो लोग सर 10 दिन 20 दिन 6 महीने 1 साल, तो उनको टेंशन हो जाता, भाई 6 महीने से स्टॉक नहीं चला, 1 साल से स्टॉक नहीं चला। उसी तरीके से सर ये कंपनी CCL प्रोडक्ट अगर आप देखोगे तो ये कंपनी भी आपको देखने को लगेगा भाई ये तो हाई पे ही है, भाई हाई पे सर हाई तो है लेकिन इसका बिजनेस और ज़्यादा हाई होने वाला है, और इसी के दम पर सर कंपनियाँ अच्छा और अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट कर देती है। अब जैसे देखिए इस कंपनी के बारे में थोड़ी बहुत आपको नॉलेज दे देता हूँ सर, ठीक है। सबसे पहले तो सर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस कंपनी ने अपना नेम ही चेंज कर लिया सर, इस कंपनी ने अपने नेम चेंज कर लिया। क्यों? क्योंकि सर ये कंपनी एक बड़े लेवल में काम करना चाहते थे कॉफ़ी के सेगमेंट में, सर कॉफ़ी के सेगमेंट में ये कंपनी जो है काम करना चाहती थी सर, इस वजह से कंपनी ने अपना नेम चेंज कर लिया। और कॉफ़ी मार्केट में अगर आप देखोगे तो सर कंपनी लगभग जो 4.5% ऑलमोस्ट 5% सर कंपनी मार्केट शेयर रखती है सर इंडिया के अंदर, इंडिया के अंदर। मतलब कहने का मतलब है कि सर 100 में से अगर आप देखोगे तो 5 लोग सर इसी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदते हैं सर। टाटा का भी कॉफ़ी है तो इसका भी अगर देखने को मिल जाएगा। और आते आते सर इन्होंने न्यू प्रोडक्ट बहुत सारे लॉन्च कर दिए सर, एकदम धड़ाधड़ लॉन्च कर दिए। जैसे कंपनी ने अपना नेम चेंज किया उसके साथ सर इन्होंने जो है काफ़ी अच्छे जो है लॉन्चेस करना स्टार्ट कर दिया, और लॉन्च कर करके सर सारे प्रोडक्ट को ब्रांड बनाने की कोशिश कर रहे हैं सर। ब्रांड बनाने से होगा क्या कि भाई 100 रुपये की चीज़ को सर ये 110 रुपये में भी बेच पाएंगे, कॉम्पिटिशन खत्म हो जाएगा सर। कहने का मतलब होता है मार्केट में अगर एक जगह सर मान लेते हैं कि एक जगह मान लेते हैं सर 100 रुपये में आपको मिल रहा, ठीक है 100 रुपये में मैं आपको मिला सर कॉफ़ी का पैकेट, और एक बगल वाला बोला भाई मैं तो 90 में दूंगा, तो सर ये तो टेंशन वाली बात हो जाती है, तो 100 वाला तो कोई खरीदेगा नहीं, बोलेगा भाई बगल में तो 90 में ही मिल रहा। तो इस तरीके से सर कंपनी अपने आप को ब्रांड बना लेती है। जब कंपनी अपने आप को ब्रांड बना लेगी ना तो सर कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं सर, कंपनी के अच्छे खासे आपको क्लाइंट आपको देखने को मिल जाएंगे सर काफ़ी बड़े लेवल में आपको, मतलब एक ही जगह नहीं कंपनी सर बड़े लेवल में काम करती है सर ऐसा है। उसके साथ साथ अगर आप देखो तो सर 4 टाइप की कॉफ़ी में सर कंपनी ज़्यादातर डील करती है सर, ज़्यादातर डील करती है। और कंपनी आजकल की डेट में अगर आप देखोगे तो सर कंपनी जो है B2C में लगी पड़ी सर, B2C मतलब बिजनेस टू कस्टमर। अभी होता क्या है कि सर बिजनेस टू बिजनेस अगर आप बेचोगे तो सर 100 रुपये का प्रोडक्ट है तो सामने वाला भी कंपनी है सर वो बिजनेस कर रही है, बोलेगा भाई 100 में क्यों दे रहा हूं 99 में दो क्योंकि मैं बल्क खरीद रहा हूं। जैसे डीमार्ट क्या करता है सर, हिंदुस्तान यूनिलीवर ब्रिटानिया वगैरह ये सबसे सर क्या करता है कि उनके सर MRP से कई गुना नीचे खरीदता है, क्यों? क्योंकि बल्क डील करता है सर। तो ये कंपनी सोच रहा है बिजनेस टू बिजनेस करेंगे तो इस तरीके का घाटा होगा, हम बिजनेस टू कस्टमर करते हैं सर। बिजनेस टू कस्टमर करने से क्या हुआ कि कस्टमर को अगर मैं थोड़ा हाई प्राइस में भी बेचूं तो कस्टमर कुछ नहीं बोलेगा सर। और कॉफी का मार्केट बहुत है सर, कहने का मतलब अगर आप देखोगे तो सर सुबह होता है लोगों को टी चाहिए कॉफ़ी चाहिए, अब डिपेंड करता है भाई क्या प्रोडक्ट उनको ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन हाँ अगर आप देखोगे तो सर अगर इंडिया के अंदर देखोगे तो सर कॉफ़ी मतलब मोदी जी चाय वाले सर, और बहुत सारे सर MBA चाय वाला, इंजीनियर चाय वाला, मतलब बहुत सारे सर। कहने का मतलब चाय का बिजनेस अगर देखोगे जैसे स्टारबक्स रतन टाटा जी का सर क्या है सर कॉफ़ी वगैरह है, तो ये मत सोचिए कि भाई ये चाय के अंदर क्या ही दम होगा कितना कमा लेंगे सर। एक चाय में सर आप कम से कम तो सर 10 रुपये का बेचते हो सर एक, और एक आदमी सर कम से कम तो 2 बार पी जाता है, बहुत सारे लोग तो 3 बार भी पी जाते हैं सर, सोच लो 2 बार पी जाते हैं सर ये लोग। और अगर सोचो कि इनमें से अगर मान लेते हैं कि अगर आपको 10 रुपये का चाय बेचने में अगर आपको केवल मान लेते 3 रुपये भी फायदा हो रहा है, केवल 3 रुपया सुबह और शाम 6 रुपये हो गया सर, एक आदमी से 3 रुपये कमा रहे हो सर। इंडिया देखो, सोचो इंडिया में सर 150 करोड़ लोग रहते हैं, और 150 करोड़ लोग में से मान लेते हैं सर केवल 100 करोड़ लोग कंज्यूम करते हैं सर, तो अगर इनको करेंगे तो सर 300, सोच लो कितने बड़े लेवल में सर, मतलब मैं कैलकुलेट भी नहीं कर पा रहा हूँ इतना बड़ा नंबर निकल के आएगा सर। सुबह शाम दोपहर ये कंज्यूम करते हैं, कोई घर में मेहमान गया, ऑफिस में जा रहे हो या कहीं पर भी जा रहे हो सर, टी लोगे कॉफ़ी लोगे ठंडा गर्म, समझ रहे हो ना, गर्म मतलब सर कॉफ़ी या यही होता है सर। मतलब मजबूत फंडामेंटली ताकतवर कंपनियों में से अगर आप देखोगे ना सर तो CCL प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो लोगों को लग रहा है कि भाई ये हाई है, बिल्कुल सर मैं आपको इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि सर चार्ट पैटर्न देख के हाई मत बोलिए। नहीं क्यों? क्योंकि सर कल के डेट में फिर यहाँ से चला गया स्टॉक 1000 रुपीज़, तो सर लोग बोलेंगे भाई वो हाई हो गया, अरे सर ये हाई था या फिर ये हाई है, जब ये हाई था तो फिर यहाँ पर खरीदना तो गलत नहीं है ना। मेरे हिसाब से तो सर कंपनी बहुत अच्छी है, अभी हाई वाई कुछ नहीं है, क्योंकि बिजनेस आपको देखना है सर। चार्ट पैटर्न देख के सर टेम्पररी गेन कर सकते हो सर लॉन्ग टर्म का, नहीं बाकी मर्जी आपकी सर। बाद में मत बोलिएगा कि सर फ्रेश स्टॉक नहीं आपके पास, फ्रेश नहीं है सब चल गया वो बताते हो, तो सर उस टाइम मेरे पास कोई जवाब नहीं रहता। उसके बाद सर अंबुजा सीमेंट अगर आप देखो तो वन ऑफ द बेस्ट सीमेंट, मतलब सर वन ऑफ द बेस्ट अगर आप देखना चाहते हो सर, नंबर वन अल्ट्राटेक है, लेकिन सर अंबुजा सीमेंट भी कंपटीशन में काफ़ी बड़े लेवल में काम कर रहा है सर। तो आने वाला फ्यूचर अंबुजा सीमेंट का काफ़ी ग्रेट है, काफ़ी का सर काफ़ी ज़्यादा। और सर मैं आपको बोल रहा हूँ कि सर केवल इसका बिजनेस देखकर मुझे इतना कॉन्फिडेंस आता है कि सर मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा। अगर कल के डेट में मार्केट गिरा और गिरने के बाद सर ये स्टॉक 20% गिर भी जाता ना तो सर क्या ही बोलूँ, बहुत गुस्सा आता है। इस वजह से गुस्सा नहीं आता स्टॉक गिर गया, इस वजह से गुस्सा आता कि केवल 20% ही गिरा। हाँ क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इतनी अच्छी कंपनियाँ जो बड़ी अच्छी अच्छी कंपनियाँ गिरावट में मिले तो और दबा के माल खरीदे सर उनको, क्या करे सर अच्छा मौका मिलता ही नहीं है बार बार। कंपनी अच्छी होती है तो सर टेंशन वाली बात ही नहीं होती, बिजनेस आप देखोगे ना तो सर आपके अंदर भी वो आग आ जाएगी सर। बाकी हवे में बोलते रहोगे तो सर कोई टेंशन वाली बात क्या बोले सर उनके लिए, ठीक है। और फ्रेश मतलब सर फ्रेश मतलब एकदम फ्रेश समझ लीजिए सर कंपनी को, ये मत बोलिए कि चल गया है वो है हाई है लो है अब क्या चलेगा, वो कंपनी अच्छी है उतना समझिए सर। और देखिए
ऐसा कोई रिकमेंडेशन एडवाइस या टिप्स वगैरह नहीं होता सर, मैं आपको नॉलेज के साथ बता रहा हूँ कंपनी क्या कर रही है, नहीं कर रही है, कितना क्या कर रही है और सारी चीज़ें जानकारी आप देखो समझो सर, ये खरीदना है नहीं खरीदना वो आपके ऊपर डिपेंड है सर, ये कोई रिकमेंडेशन एडवाइस या टिप्स नहीं है सर। आपको लगभग अपने फाइनेंशियल जो भी ये कंसल्ट करने वाले सर उनके जानकारी लेके एडवाइजर से आगे बढ़ना है सर। और अगर स्टॉक मार्केट में हो तो अपना डीमैट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, जहाँ पर डीमैट अकाउंट फ्री, डिलीवरी चार्जेस फ्री, केवल 20 रुपीज़ लगता है, वो भी इंट्राडे में जो हर जगह लगता है सर। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, मिनटों में जाकर अपना डीमैट अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में सर।